नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है यश जाट और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आइसर के 485 ट्रैक्टर के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ट्रैक्टर से जुड़ी तमाम जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें आइसर 485 की, तो ये दोस्तों ये 45 HP का ट्रैक्टर है। LED साइलेंसर में कंपनी इसको देती है, ताकि LED साइलेंसर का मतलब मैं आपको बता दूं, आइसर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है तो LED साइलेंसर होने से आवाज़ की जो है वो थोड़ी सी कम करने लगता है। उसके बाद हम इसके इंजन की बात करें तो 3 सिलेंडर यहाँ पर आपको इंजन देखने को मिलेगा और ये बॉश कंपनी का इन लाइन आपको पंप, डीजल पंप आपको इसमें मिल जाएगा। 45 HP का ट्रैक्टर है। 2945 इसके इंजन की CC है। और यदि हम इसके एयर क्लीनर की बात करें तो दोस्तों 4-स्टेट आयल बाथ टाइप का एयर क्लीनर इसके अंदर आपको मिलता है। और जो अपना फ्रंट वेट इसमें दिया है, आगे का बम्पर इसमें आपको 80 से 85 kg का इसमें मिल जाएगा। और यदि हम फ्रंट एक्सल को देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट फ्रंट एक्सल देखने को मिलेगा। इसका सीधा रहने का मतलब ये रहता है दोस्तों कि इसका मेंटेनेंस जो रहता है कम रहता है। इसमें धनुषनुमा भी आता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आइसर कई प्रकार के ट्रैक्टर, कई ऑप्शन अपने ट्रैक्टरों के अंदर देते हैं। इसमें आपको ये मैकेनिकल स्टीयरिंग देखने को मिलेगी, लेकिन पावर स्टीयरिंग भी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर वाटर सेपरेटर जो है वो दे रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके जो फ्रंट टायर है 616 की साइज में यहाँ पर कंपनी ने फ्रंट टायर को दिया है। और रियर टायर जो है उनकी साइज 14/9/28 की साइज में आपको देखने को मिल जाएगी। क्लच इसका जो आता है ड्यूल क्लच इसमें आपको मिलेगा। पायदान वगैरह आप देख सकते हैं। और यदि हम गियर की बात करें तो कंपनी इसके अंदर 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर आपको उपलब्ध करवाती है। डीजल टैंक की क्षमता 48 लीटर की है। बाकी मीटर वगैरह सभी आपको सभी आइसर में सेम देखने को मिलेगा। कई सारे आइसर के मैंने रिव्यू किए हैं तो उनमें आप इसको देख ही सकते हैं। चलिए दोस्तों पीछे की तरफ और मैं इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको देता हूँ। यदि हम आइसर को पीछे की तरफ से बैक साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको एडजस्ट होने वाली सीट मिलती है। साथ ही मोबाइल और डॉक्यूमेंट रखने के लिए कवर आपको मिल ही जाता है। 2.5 लीटर तक की पानी की बोतल रखने की आपको यहाँ पर जार मिल जाता है। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग का जो पॉइंट है लगभग सभी आइसर में आपको देखने को मिल जाता है। अब यदि हम इसके ब्रेक की बात करें तो कंपनी इसके अंदर दोनों तरीके के ब्रेक आपको देती है। आयल इम्ब्रेस्ड ब्रेक आपको मिलेंगे, ड्राई डिस्क टाइप के ब्रेक भी आपको इसमें मिल जाएंगे, दोनों ही ऑप्शनल है। यदि हम इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें 1300 kg के लगभग लिफ्ट कैपेसिटी इसमें मिलती है। PTO इसका 540 को आपको मिलता है। मल्टी स्पीड PTO इसके अंदर कंपनी आपको अवेलेबल करवाती है। एयरकूल्ड ये ट्रैक्टर है। बैटरी इन्होंने महिंद्रा की तरह बिल्कुल दे दिया है, कलर इसका रेड कर दिया है। लुकवाइज काफ़ी अच्छा इसने बना दिया है। ब्रेक के बारे में आपको बता दिया है। साथ ही इसका जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर फाइबर का आपको टूल बॉक्स इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब मुख्य बात आती है इसकी कीमत की। तो इसकी जो कीमत शुरू होती है वो 6,25,000 रुपये से लगाकर 6,70,000 के बीच में ये आपको अवेलेबल हो जाता है। और आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आने वाले रिव्यू में आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, इसके बारे में क्या क्या जानकारी और आप चाहते हैं, किसी भी ट्रैक्टर के किन किन पॉइंट को आप हमारे वीडियो में देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।